this video for your very helpful information please like and subscribe and then share your friends and let's start the video bharat mein khele jane wale vibhinn khelon mein ek khel kabaddi ke naam se jana jata hai इस खेल को लोग बड़े ही उत्साह से खेलते हैं इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ी को बल के साथ बुद्धि का होना जरूरी होता है मुझे कबड्डी खेलना बहुत पसंद है क्योंकि इसको खेलने से हमारे शरीर की मांसपेशियों मजबूत होती है किसी भी खेल को खेलने से आपकी सेहत को कुछ न कुछ लाभ जरूर होता है इस खेल का कुछ ऐसा दस्तूर होता है जिसके तहत दो खिलाड़ियों के बीच विभीषण द्वंद्व चलता है इसमें किसी एक टीम की जीत होती है कबड्डी खेलने से हमारे शरीर में तंदुरुस्ती आती है कबड्डी खेलने के लिए आपको किसी भी प्रकार के सामान आवश्यकता नहीं होती है पहले कबड्डी केवल पंजाब में खेला जाता था लेकिन अब कबड्डी पूरे देश में खेला जाता है कबड्डी खेल भारत के पड़ोसी देश नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका में भी खेला जाने लगा है इस खेल को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है कबड्डी खेल की प्राचीनता के बारे में जिक्र करें तो यह लगभग ४०० वर्ष पुराना खेल है महाभारत में भी कबड्डी खेल को खेले जाने का जिक्र किया गया है कबड्डी के खेल में आपको ताकत और समझदारी दोनों की जरूरत होती है कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की दो अलग अलग टीम तैयार की जाती है दोनों टीम में साथ साथ खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के मैदान का क्षेत्रफल का जिक्र करें तो यह लगभग तेरह मीटर गुना दस मीटर होता है मैदानों के माध्यम में लाइन खींची जाती है और मैदानों को दो भाग में विभाजित कर दिया जाता है खिलाड़ियों के मैदान में प्रवेश करने के बाद टॉस किया जाता है और जीतने वाले टीम को दूसरे पाले में जाकर खिलाड़ी को छूकर मध्य रेखा के पार वापस आना होता है या फिर रेखा को छूना होता है वही जो खिलाड़ी दूसरे पाले में जाता है उसे रेडर के नाम से जाना जाता है रेडर जब ही दूसरे पाले में जाता है तो उसे बिना रुके कबड्डी शब्द का उच्चारण करना होता है अगर खिलाड़ी अपने पाले में वापस आने से पहले कबड्डी कहना बंद कर दे तो खिलाड़ी खेल के बाहर हो जाता है खेल के दौरान जो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पकड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें स्टॉपर के नाम से पुकारते हैं कबड्डी खेलते समय खिलाड़ी को दूसरे पाले में जाकर मैदान के किसी खिलाड़ी को छूकर लौटना होता है खिलाड़ी जितने खिलाड़ियों को छूकर आएगा उतने खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाते हैं अगर खिलाड़ी छूकर लौटने में सफल होता है तो ऐसे में उसके टीम को अंक मिलता है साथ ही उसके टीम से बाहर गया खिलाड़ी भी लौट आता है मतलब कि अगर एक खिलाड़ी आगे वाले टीम से बाहर होता है तो दूसरे टीम का खिलाड़ी अंदर आता है यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि किसी एक टीम के सभी खिलाड़ी बाहर नहीं जाते अगर ऐसा होता है तो आगे वाले टीम को इसके लिए तीन अंक मिलते हैं और सभी खिलाड़ी आउट हुए टीम के सभी खिलाड़ी वापस मैदान पर आ जाते हैं यही नहीं अगर दूसरे पाले के खिलाड़ी रेडर को पकड़ लेते हैं तो उन्हें भी अंक मिलता है और पकड़ा जाने वाला खिलाड़ी मैदान से बाहर कर दिया जाता है कबड्डी खेलने के लिए समय सीमा बीस बीस यानी कि पूरी चालीस मिनट की होती है इसे दो दौर के में खेला जाता है खिलाड़ी को बीच में पाँच मिनट का विराम मिल दिया जाता है उसके बाद दोनों टीम के पाले बदले जाते हैं और समय के आखिरी में जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा अंक होता है वह टीम खेल जीत जाती है कबड्डी खेल को खेलने का अपना ही विशेष आनंद है इसको खेलते हुए खिलाड़ी के साथ ही साथ दर्शकों में एक अलग सा उत्साह खेलने को मिलता है कबड्डी का खेल खेलने से खिलाड़ियों के अंदर प्रेम और सहयोग की भावना की वृद्धि होती है कबड्डी के इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या तो सीमित होती है लेकिन मुकाबला टक्कर का होता है कबड्डी खेल में खिलाड़ियों के घायल होने की संभावना भी होती है